बस अनर्थ एसोसिएशन के 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार से लेने के बकाया, जिसके चलते बस मालिक ट्रांसपोर्ट यूनियन ने आज कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपकर अपना पैसा दिलाने की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बस आनर्स एसोसिएशन ने आज रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में अपने 2.5 करोड़ रुपए के लिए एक ज्ञापन सौंपा। उनका साफ तौर से कहना था, पिछले एक साल में हमने काफी रैलियां की, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया, लेकिन हमारे पैसे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। सरकार हमारे पैसे का भुगतान तत्काल दिलाए। हमारे सामने काफी आर्थिक संकट इन दिनों खड़ा दिखाई दे रहा। बस मालिक ऑनर्स एसोसिएशन ने कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपकर अपने 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मांगी। उनका कहना था, हम पिछले एक साल में 10 रैलियां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा चुके हैं, नगर पालिका का चुनाव भी हुआ, हमें किसी का भी पूर्ण भुगतान आज तक नहीं मिला, केवल डीजल मिला। अब हम चाहते हैं हमारे पैसे का पूरा भुगतान कर दिया जाए। रैली चुनाव के बाद बस मालिक भुगतान के लिए इधर उधर भटकता है। कहा जाता है आपका पैसा शीघ्र मिल जाएगा, लेकिन पैसा मिलता नहीं है। बस ऑनर्स एसोसिएशन कहता है, रीवा से लालपुर सैडोल बिरसा मुंडा जयंती में 300 बसें लगभग गई थीं, जिसके 20 लाख रुपए का भुगतान होना बकाया है। रीवा चितकूट सरपंच प्रशिक्षण में 200 बस गई थी, 8 लाख का भुगतान बकाया। रीवा सतना गृह प्रवेश कार्यक्रम में 100 बस गई, 4 लाख का भुगतान। मोहरिया टनल लोकार्पण कार्यक्रम में 400 बस, 8 लाख। जल जीवन मिशन कार्यक्रम चुराटा हवाई पट्टी 400 बस, 8 लाख। शबरी माता कार्यक्रम सतना 500 बस, 10 लाख। जन कल्याण कार्यक्रम मऊगंज 400 बस, 8 लाख। त्रिस्तरीय पंचायत नगर निकाय चुनाव 50 लाख। लघु वनपद सहकारी समिति सम्मेलन ब्योहारी 200 बस, 8 लाख। रीवा सीधी महोकर मुख्यमंत्री कार्यक्रम 200 बस, 8 लाख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कार्यक्रम 1000 बस, 1 करोड़ रुपए। इनका साफ तौर से कहना था, उनके ऊपर बसों और टैक्स एवं बैंकों की किस्त का बोझ काफी ज्यादा हो जाता है। बैंकों द्वारा बस मालिकों के ऊपर परिवहन विभाग द्वारा लगातार दबाव बनाया जाता है, हम पैसे नहीं दे पाते, इसलिए हमारा पैसा हमको तत्काल दिया जाए। पूरे मामले को लेकर ज्ञापन सौंपने के बाद हमने बस ऑनर्स एसोसिएशन के कोसा अध्यक्ष रमेश तिवारी से बात की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। हाँ, ये क्या समस्या, क्या ज्ञापन लेके आए हैं? हमारी समस्या ये है कि पिछले एक वर्ष से करीब हमने सरकार की 10 रैलियां और एक चुनाव करवाया, नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, उसका अभी तक हमें कोई भुगतान नहीं मिला। तो हम लोग परेशान है, क्योंकि हम लोगों की गाड़ी फाइनेंस में होती है, किस्तें होती है, गाड़ियों को रैली से भेजने के पहले जो है स्टाफ को भुगतान किया जाता है, कम से कम उनका वेतन दिया जाता है एडवांस में खाने पीने के लिए। तो इस तरह हम लोगों को काफी दिक्कत होती है। और पैसा होगा अभी तक हम लोगों का एक कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए फंसा हुआ है सभी गाड़ियों का। और लगभग एक इसके पहले भी हमने एक बार ज्ञापन दिया था, माननीय कलेक्टर महोदय थे उस समय, उन्होंने कहा था कि मैं कराऊंगा। और इसके बाद अभी चूंकि मार्च में दिया था, तो बोले मार्च के बाद जो भी बजट था वो अप्रैल में आएगा, और अप्रैल भी बीत गया, इसलिए हम लोगों ने पुनः अप्रैल में माननीय कलेक्टर महोदय को जो ज्ञापन देने गए थे और उनको बताया कि हम लोगों की बड़ी समस्याएं हैं, हम लोगों को भुगतान किया जाए। फिर उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई की और माननीय आरटीओ महोदय को बुलाकर कहा कि इन लोगों का इतना भुगतान कैसे रुका हुआ, तुरंत दिलाया जाए। और आरटीओ साहब ने भी तुरंत वहीं पे बैठक की बस मालिकों की, और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बस हम लोगों के सामने ही बात किया और क्या समस्या आ रही उसके निराकरण के लिए, और माननीय सीओ साहब के पास भी ले गए, उनकी भी मीटिंग करवाई और तुरंत भुगतान दिलाने का निराकरण किया। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आज कलेक्टर आरटीओ सीओ ने कार्रवाई की है, तो निकट भविष्य में भुगतान मिल सकता है? आज की कार्रवाई से तो ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम लोगों का भुगतान हो जाएगा,
चूंकि सभी के अधिकारियों का यह कहना था कि मार्च में जो है बजट की दिक्कत होती है और इसके बाद अप्रैल में बजट आता है, बजट सबका मंगाया गया है, तुरंत सभी का बिल प्रस्तुत हो जाएंगे तो हम भुगतान तुरंत कर देंगे। क्या नाम है किस पक्ष का? हम रमेश तिवारी हैं, बफोनर्स के कोषाध्यक्ष हैं।